बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बाहर किचन। आज हम बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कोकोनट ट्राई कलर बर्फी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको अब हम फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 12 काजू ले रही हूँ, इसको एक मिक्सी जार में डालेंगे। 12 बादाम, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे, और 2 हरी इलायची डालकर इसका हम फाइन पाउडर बना लेंगे। देखिए, मैंने काजू और बादाम का इतना बारीक पाउडर बना लिया है। इसको एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे। अब मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ, यानी कि नारियल का बुरादा। इसको हम 2 कप जितना निकाल लेंगे। इस तरह के पैकेट में आता है नारियल का बुरादा, 1 कप के अंदर निकाल लेंगे। ये हमारा नारियल का बुरादा थोड़ा मोटा मोटा है, इसको मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा पीस लेंगे एक बार। देखिए, नारियल के बुरादे को मैंने इतना पीस लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि हमारा नारियल का बुरादा बहुत मोटा था, इसीलिए मैंने थोड़ा ही पीस लिया था एक ही बार। इसको हम बॉल के अंदर निकाल लेंगे। इसी तरीके से और 1 कप निकाल कर पीस लेंगे इसको भी। देखिए, मैंने इसको भी पीस लिया है इतना दरदरा, इसको भी हम बॉल के अंदर डाल देंगे। गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है, इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। इसके अंदर नारियल का बुरादा डालकर 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम भून लेंगे नारियल के बुरादे को। अब 2 मिनट से हमारा नारियल का बुरादा अच्छी तरह से भून रहा है, इसके अंदर से सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगी है। आँच को धीमी कर देंगे। धीमी करके इसके अंदर 1 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इसी के साथ काजू बादाम और इलायची का पाउडर और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, इससे बाइंडिंग अच्छी होती है। और इन सब के साथ शक्कर भी डाल रही हूँ 1/2 कप जितनी। डालकर इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर 1.5 कप दूध डाल रही हूँ, मलाई वाला दूध है ये। डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसको हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। देखिए, मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला था ना, इसी वजह से बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है और बर्फी के अंदर बहुत अच्छे से बाइंडिंग भी आ जाती है, इसी वजह से बर्फी नहीं टूटती। अब इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे डो की फॉर्म में आने तक। अब 5 मिनट से हमारा बर्फी का मिक्सचर अच्छी तरीके से पक रहा है, ये देखिए डो की फॉर्म में आ गया है। इसके अंदर और 1 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ। घी डालकर अच्छे से पका लेंगे और 5 मिनट तक। देखिए, हमारे बर्फी का मिक्सचर अच्छे तरीके से पक गया है। देखिए, घी भी छोड़ने लगा है। इसको एक बार चेक कर लेंगे, इस तरह से उंगलियों पे लेकर इसका हम बॉल बना लेंगे। ये देखिए, बॉल की शेप में आ रहा है, इसका मतलब हमारी बर्फी अच्छे से पक गई है। अब गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करके इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इनको 3 हिस्से में बांट लिया है। अब एक हिस्से को बॉल के अंदर निकाल लेंगे। अब इसके अंदर इलायची पिस्ता एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ, इसके अंदर ग्रीन कलर देने के लिए 3 से 4 ड्रॉप जितना डालकर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा ग्रीन कलर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है बर्फी के डो के अंदर। इसको 1 मिनट के लिए हम साइड में रख लेंगे और एक दूसरा बॉल लेकर बर्फी का और एक हिस्सा डालेंगे। अब इसके अंदर मैंगो एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ, ये भी 3 से 4 ड्रॉप जितना डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमारा मैंगो एक्सट्रैक्ट भी डो के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसको भी हम 1 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। अब ये हमारे तीसरा बर्फी का डो, इसको हम वाइट ही रखेंगे, क्योंकि हम ट्राई कलर की बर्फी बना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। इसको हम अच्छे तरीके से मसल के चिकना कर लेंगे हाथ से ही। ये देखिए, अब हमारा सफ़ेद वाला डो भी अच्छे से चिकना हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक टिफिन बॉक्स लेकर इसके अंदर बटर पेपर डालकर मैंने घी से ग्रीस करके रखा हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले ऑरेंज वाला डो डालेंगे, इसको एक बार हाथ से चिकना करके इसके अंदर रख के अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे। ये देखिए, मैंने ऑरेंज वाले डो को अच्छे तरीके से फैला लिया है। इसी तरीके से सफ़ेद वाले डो को भी इसके अंदर रख के फैला लेंगे अच्छे तरीके से। अब हमारे सफ़ेद वाला बर्फी का डो भी अच्छे तरीके से सेट हो गया है, ये देखिए। अब इसी तरीके से ग्रीन वाले डो को भी अच्छे तरीके से सेट कर देंगे एक बार अच्छे से चिकना करके।
अब हमारा ग्रीन वाला बर्फी का डो भी अच्छे तरीके से सेट हो गया है। ये देखिए, अब इसको हम कवर करके लॉक कर देंगे। लॉक करके इसको 1 घंटे तक सेट होने के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। हमारी बर्फी 1 घंटे से फ्रिज के अंदर सेट हो रही थी, मैंने इसको फ्रिज के अंदर से निकाल लिया है। इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए, हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। इसके हम एजेस छुड़ा लेंगे इस तरीके से। अब इसको हम उल्टा करके अनमोल्ड कर लेंगे। देखिए हमारी बर्फी कितने अच्छे से निकल गई है और कितने अच्छे से सेट भी हो गई है। इसके ऊपर का हम बटर पेपर निकाल देंगे। आपको शायद तीनों कलर नजर आ रहे होंगे ट्राई कलर की बर्फी का। अब इसको हम कट कर लेंगे। सबसे पहले बीच से कट करेंगे। अब इसको हम पलटा कर स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। इसको भी हम सेंटर से कट करेंगे। आप देख सकते हो हमारी बर्फी कितने अच्छे से सेट हो गई है। इनको अब हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्राई कलर कोकोनट बर्फी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको इस बर्फी को मैं तोड़ के दिखाऊंगी। देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उतनी ही बहुत टेस्टी बनी है। आप भी इस मिठाई को इस बार के इंडिपेंडेंस डे में जरूर बनाइएगा। बहुत ही मजेदार बनी है हमारी मिठाई। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी मिठाई कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और उसी के साथ में मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।